जनाबे पेशकार, बानो सुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद पर बानो ज़लेखा। दुरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूज़ासिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूँ। ऐसे ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूज़ासिफ? उस रोज की बाबत में माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना जुलेखा, लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूंगी। यहां तक कि मुझे आतिशे दोज़ख में पहुंचा दें। आतिशे दोज़ख? नहीं, अलबत्ता जंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाबे पोतीपार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया, गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कस मेरे लिए जंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहुतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अतात और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमून होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमून होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमून होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकसर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है, हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर तवना की पनाह मांगता हूं और सब्र इख्तियार करता हूं और मुंतजर हूं कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मिस्र की अशराफ जातियां, वही जो मेरी देरी ना दुश्मन है,
उनकी नजर में भी जंदान ही वाहिद हल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ साधियों का दर्द मुश्तरक है तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है तो हम इकदाम करेंगे। आज से यूजासीफ जुलेखा का दूसरा रुख देखेगा। इश्क में दहकते जुलेखा के रुखसार अब नफरत की आंख में बदल कर स्याह हो जाएंगे। फरमा रवा आमून होतब के सुफलेदार हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आमून के बड़े पक्के पैरोकारों में से हैं। मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राजनियाद में मशगूल पाया है। आजकल हमारा अजीम खुदा आमून गमगीन है। काफी अरसे से कुछ अफराद उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं। आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफा नहीं करते। लेकिन मैं अब भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो दिलो जान से आमून की परस्तिश करते हैं और वो भी कम नहीं आली जनाब। मुझे यही फिक्र लाके कि कहीं ये बाकी ईमानदार तादाद भी मुंतशिर ना हो जाए। अफसोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते। बाज हालात मायूस कुन होते हैं। अलबत्ता जनाब केबूनी ने आमून हुतब और पुतिफार के बारे में कई मतालिब का जिक्र किया था कि जिन पर यकीन करना जरा मुश्किल है। शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून हुतब ने पुतिफार को लश्कर कशी का हुक्म दिया है ताकि माबत पर हमला करके आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर दे। आली जनाब अब आपसे क्या छुपाऊं? मैंने भी महसूस किया है कि फरमा रवा आमून होतब के काहिनाने माबद से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदाजा नहीं था। आप तो जानते हैं वो मकामे नीम खुदाई रखते हैं। वो खुद खुदा के फर्जंद हैं। यही उनके गुनाह को संगीन करता है। उन्हें तो खुदाओं का खादिम होना चाहिए बरअक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दार निकले। अगर वो उस काफिर और बेईमान पुतिफार के जरिए माबूद पर हमला करने में कामयाब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा जनाब। आखमा हु भी लश्कर की तैयारी और जंग का हुक्म क्यों नहीं फरमा देते? ऐसी सूरत में हजारों बेगुनाह मासूम लोग और काहिना ने माबूद मारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इस कत्लेआम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना। मेरे ख्याल में हमें इस अजीम कत्लेआम की रोकथाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीजकनी करनी होगी। पहले आमून होतब फिर पुतिफार। माबद ऐसे शख्स की तलाश में है जो इस अहम काम को बखूबी अंजाम देकर आमून की खुशनूती का सामान मुहैया करे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हरगिज नहीं कर सकता अली जनाब। मैं खुदा को नहीं मार सकता। वो मकामे नीम खुदाई रखते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकूंगा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं आमून के तमाम माबूद का कायन आजम हूँ और मकामे नीम खुदाई रखता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ऐसे शख्स का जुर्म जो खुद खुदाओं में से हो और दूसरे खुदाओं से दुश्मनी रखे, क्या ज्यादा संगीन नहीं है? शानियन, तुम अपने इस मुकद्दस इकदाम से न सिर्फ आमून बुजुर्ग को नाबूदी से बचा सकते हो बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या तुम्हें होगा? और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
इस काम की अंजाम देही नहायत ही आसान है। मैं इसका तरीकेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़रात क्यों ना बनो? मैं वजीर खजाना, वजीर ज़रात मिस्र? मजीद इसके सैकड़ों तलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आजाद कर देंगे। क्या फरमाया, कितने तलाई सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं। दो हजार सिक्के। वो क्या है कि कसर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाए तो कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबत या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। अली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाकये को हर किसी से बयान कर। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुसवा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन चश्म पोशी अख्तियार कर ली। ना कोई कैदोबंद, ना तौक और सलासिल, हत्या के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है, कि वो रास फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इकदाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इकदाम? उसे जंदान में डाल दें। यकीनन युजारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोज, बिनरोज कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अपोपिस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, कोई एतराज है? कोई खास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की जरूरत होती है, किसी गमगुसार की।
किसी यार और मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? जानते हो बिनारूस, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूं और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमून बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक सहम। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारह उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारह उन्हें आमून की बेहुरमती तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है, बहरहाल वो फरमा रवा है, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजायम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करें, अगर इसमें जरा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनान माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हायल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो खुलकर बताओ, भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं और इसी मसले का राय हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राय हल? मसलन कौन सा राय हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदाओं की कसम अगर बस करो। बस करो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनौरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोगे कत्ले आम की राह में हाइल हो जाऊं? हाँ हाँ, लेकिन ये कोई राय हल नहीं है। आमून हो तो खुद मुकामे नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून हो तो मकामे नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर खोज का मतकाजी है, बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोरे बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमून होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलत बाजी ठीक नहीं है, वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब मावत पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना, मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानहे की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश है ना, सिर्फ खामोश बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो अगर वो जो फर्जंदे खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा?
अगर आप ऑफिस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीर के जिम ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिनारूस, बिनारूस। कौन है, क्या काम है? खुदावंद आमून हूं तो अपने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूजर सिफ, जनाब पुतिफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतिफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक्य के बाद तो पहली बार ही है ना, शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक्य को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूजार सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसान मंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनाने कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की है कि तुम्हें कैद में डाल दूं, ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो जुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबत भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्जाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी जनान मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आजादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो जनान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून हो तब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बिनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाब अली, कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ऑफिस? ये बिनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती।
कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसल मंदी है। आप अपनी गिजा तनावल फरमाइए, लीजिए। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावल मत फरमाएं, ये मसमूम है। खाइने बदजात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। जी अली जनाब, इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं अली जा, रहम कीजिए। नहीं जा, रहम कीजिए। रहम करें बालूती। नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं अली जनाब, इस्तकदार करता हूं। ठहरो अली जनाब। रुक जाओ, पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है। अली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है, इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब, जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी गिजा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो, तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ, आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए, आप बड़े बदमाश हैं। आली जनाब, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी, हमारी कसर में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो, इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करो? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीके जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। आली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है, यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजात खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो, मैं मुंतजर हूं, जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है।
पहले तुम बोलो आपूफीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमा रवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून हुतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके काहनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है, लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना, मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिले दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिले दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन ना ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम, कल आप ऑफिस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवसुस से आमून और शहर तिप्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली के शराब में जहर मिला दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे रابطہ नहीं किया, या तुमने नहीं देखा कि आप ऊपरी से किसी ने रابطہ किया हो? मैंने नहीं देखा, मैंने सिवाय आप ऊपरी के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह सफेद, आजाद व गुलाम, जन व मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारिमामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ नहीं लाती, यकीनन कोई जरूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चारा जोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जुजार से को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या जंदान का। जना ने मिस्र के बनिस्बत में जंदान का इंतखाब करूंगा। अगरचे जंदान की सख्तियां तुलानी भी हो जाएं, बिलाखर खत्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोजख से कब खलासी पाएगा कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को जंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ? ऐसा अकल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय जंदान कबूल करे। जनाब रुदमून, क्या
क्या हुआ रोदामून, अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादर कर ही दिया। क्या कह रहे थे कि ऐसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर जिंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चले। खंदा पेशानी से विदा करो कि युजार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसरदा नहीं। उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। युजार सेफ को जंतान ले जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया लेकिन फिर भी मुझे जंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। ارباب اختیار کی احکامات سے روگردانی کا یہی نتیجہ ہے۔ نہیں، چونکہ رب الارباب کے حکم کی اطاعت کی ہے لہذا مبتلا آزمائش تو ہونا تھا۔ وہ اسی سے سخت آزمائش لیتا ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے۔ ہم کس طرح آپ کی جدائی کو برداشت کریں؟ پریشان مت ہو، زندان میرے لیے رہائی اور نجات کا سامان ہے۔ मैं अपने माबूद का शुक्र गुजार हूँ कि जिसने मुझे इस कसर के जंदान से निजात दी।
زندان زاویرہ کے داروغہ کا نام قیدامون ہے جو میرے دوستوں میں سے ہے, پریشان مت ہونا. میرا بہترین دوست بھی زندان زاویرہ میں ہے, وہی جس نے قیدامون کو پیدا کیا ہے. میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. حرکت کرو. حرکت کرو. درود بر علی جناب پارموا. سپاس گزار ہوں. جناب پارموا, آپ نے خود کو کیوں زحمت میں ڈالا؟ جناب پوتیفار کا حکم تھا, مجھے بذات خود آنا تھا. رک جاؤ, ابھی سنو, ادھر آؤ. جی حضور. یہ دونوں فرما روا آمون ہوتب کے ساقی اور خان سامہ ہے, بن عروس اور آپو پیس. کوئی بھی ان سے ملنے نہ پائے. اگر کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو فی الفور جناب پوتیفار کو خبر کرنا. اور ایک بات اور دھیان سے سنو, انہیں دیگر قیدیوں سے علیحدہ رکھنا. اطاعت عالی جناب. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان کا جرم کیا ہے؟ آمون ہوتب اور ان کے اہل خانہ کے اقدام کے قتل کا جرم. ممکن ہے ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی آئے, لہذا کڑی نگرانی کرنا. کوشش کرو اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. اطاعت علی جناب.
इन्हें ले जाओ जिंदान इंफरादी में। ये भी कैदी है? जी जनाब पोतीफार ने इन्हें यहाँ भेजा है। जनाब रुदोमून ने पैगाम दिया है कि ये कैदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इंसानों से बालातर है। रुदोमून कसरे आली जनाब पोतीफार के महाफिजों के सरपरस्ते आला? जी बिल्कुल वही। कैदी का नाम युजार सीफ है और ये आली जनाब पोतीफार के साहब का मुशीर थे। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह जंदान नहीं। ऐसा क्या कर दिया जो यहां ना पड़ा? अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के जुर्म में। यहां अतात और फरमा बरदारी करना सीख लोगे। देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो। मुझे मायूस मत करें, उम्मीद करता हूं कि अच्छा बंदा साबित होऊंगा। वो तो पता चल ही जाएगा। बस कोशिश करना कि जावीरा के दीगर कैदियों के साथ लड़ना झगड़ना मत। वो खतरनाक कैदी हैं। इन्हें जंदाने अमूमी में ले जाओ। इसका जाती सामान तहवील में ले लो और इसके पाँव में बेड़ियां डाल दो।